अब और कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पर कुछ और लोगों को ढूंढने की और बातचीत करने की, तो उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आंटी, चुनाव चल रहा है, क्या लग रहा है इस बार? मैं कुछ नहीं पता है। अरे आप महिला हैं, आवाज़ रखिए अपनी। आवाज तो है लेकिन हम कुछ नहीं पता है, हमारा वोट है नहीं, हम तो गांव के। कुछ काम वाम हुआ है ऐसे बता दीजिए। काम तो है, जैसा चल रहा है वैसा सब ठीक ही है, और क्या है, कुछ खास नहीं है। कुछ खास नहीं है, लोग बता रहे अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी बना दिया, बहुत बढ़िया सिटी। कहाँ बन गया, सिकंदराव के हैं हम, सिकंदराव में कोई सुविधा नहीं है। हाँ, कुछ नहीं है। बिजली पानी सड़क हमारे यहाँ की तो बहुत खराब है। एक रोड है इतना खराब है कि पैदल भी नहीं चल सकते। बारिश होती है? हाँ होती है, और पानी भरा रहता है। रोड इतना खराब है कि पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है, बहुत बुरा। तो ये लोग बस ऐसे ही कह रहे हैं कि सामने बढ़िया हुआ है। हाँ सामने सामने है, रोड बनवा दिए, लेकिन ये उधर उधर के रोड वो तो बहुत खराब है। तो बता रहे इस बार महिला, इस साल जो सरकार है वो उस शासन में महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। हाँ थोड़ा कानून व्यवस्था बढ़िया, वैसे तो ठीक है, गोली वोली नहीं चलती। हाँ वो नहीं चलती है, वैसे भी सुविधा है, इतना तो है। चलिए तो ठीक है, ये महिलाएं हैं, देखिए हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा यहाँ से आउटर एरिया में रहती है ऐसा बता रही हैं, और वहाँ पर क्या कुछ सूरत हाल है वो बता रही थी, और लोगों से बात करते हैं। तो हमारे साथ कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद है, देखिए क्या लग रहा है इस बार? इस बार भैया भाजपा आ रही है पूरी तरह से, कमल खिल रहा है। क्यों कमल खिल रहा है? चारों तरफ डबल इंजन की सरकार है, लगातार काम हो रहा है। अच्छा। आप देख ही रहे हैं स्मार्ट सिटी का काम, आप देख रहे होंगे आज से 2 महीने पहले चौराहे का क्या हाल था। योगी जी मोदी जी की सरकार ने चौराहे को चमकाने का काम किया है, सेंटर पॉइंट चमक रहा है। तो निकाय निगम चुनाव है ना, इसमें योगी जी मोदी जी क्या करेंगे? भैया डबल इंजन की सरकार से फर्क पड़ता है, अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और भी ज्यादा फर्क बनेगा। बजट आता है, दूसरे लोगों की सरकार होती है, सिर्फ पैसे खाने का जमीन हड़पने का काम होता है बीजेपी की सरकार में। गुंडे और माफिया सब जा चुके हैं, सिर्फ भाजपा सरकार है, कमल खिलने जा रहा है। क्या लग रहा है सर? देखिए यहाँ पे जो आज जो संबोधन किया है मुख्यमंत्री जी ने, उसके आधार पर यहाँ पे 2/11/11 जो मतगणना होगी उसके आधार पर यहाँ पे हमारी बीजेपी की सरकार पूरी तरह से अपने मेयर टिकट को हम क्लियर तरीके से निकाल के ले जाएंगे। और जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुख्यमंत्री जी ने बोला माफिया गुंडों को उत्तर प्रदेश को बहमुक्त किया है, उस आधार पर सब लोग जनता बहुत खुश है, और उसी आधार पर हम बीजेपी को ही वोट देंगे और बीजेपी का समर्थन करते हैं, करते रहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ बीजेपी के समर्थक है, युवा हैं, जो कि कह रहे हैं गुंडे और माफियाओं की बात कर रहे हैं कि कौन इन कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर में सुधार आया है। तो ये हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं और आगे चलते हैं, देखते हैं कि और लोग मिलते हैं तो उनसे बातचीत करते हैं। चलिए भाई साहब, अरे क्या सुन रहे हैं? रैली है ना योगी जी की? हाँ वो सुन रहे हैं मोबाइल पे। क्या लग रहा है? नहीं जीतेगी बीजेपी, बीजेपी जीतेगी। क्यों नहीं? अच्छा काम किया है, अच्छा काम कर रही है। तो बीएसपी के मेयर थे ना, वो तो बढ़िया काम कर रहे हैं, लोग बता रहे थे। नहीं करा है, लेकिन हम तो सपोर्ट में बीजेपी की है। क्या लग रहा है? ये बीजेपी ही जीतेगी। लोग कह रहे साइकिल दौड़े, साइकिल दौड़ने के लिए दौड़ सकती है, लेकिन जो है वो तो यही है, कमल खिलेगा। कमल खिलेगा नहीं, साइकिल दौड़ेगा। नहीं कमल खिलेगा, साइकिल कमल खिलेगा। वो पता चली जाएगा, वो तो पता चली जाएगा, लेकिन क्या बीजेपी में ऐसा क्या खास है भाई? कुछ काम करे है उन्होंने, अच्छा काम कर दिया है, इसीलिए बस यही है। लग रहा है कुछ इस बार कांटे की बीजेपी ही जीतेगी और कांटे की टक्कर है। हाँ मुझे पूरा भरोसा है कि बीजेपी। आप कह रही बीजेपी ही जीतेगी और कांटे की टक्कर? हाँ जी जीतेगी, क्योंकि पता है ना बीजेपी हमेशा जीतती आ रही है, जीतती आ रही है, उनका काम भी अच्छा है, इस वजह से बीजेपी जीती। लोग समाजवादी पार्टी का भी नाम ले रहे हैं। सबकी अपनी अपना ओपिनियन है, कोई समाजवादी पार्टी बोलेगा, कोई कांग्रेस बोलेगा, बट जो हम बोले वो हम बोल रहे हैं। ऐसा क्यों, महिलाओं को ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं उनका काम, हमने मतलब पहले तो हमने कोई काम नहीं देखा है ना, उन्होंने विकास भी बहुत किया है योगी जी ने, उनकी सब आजकल औरतें सारी सुरक्षित चल रही है, इस वजह से जब से उनकी सरकार आई है तब से अपराध सब खत्म हो चुके हैं, गुंडागर्दी सब खत्म हो चुकी है, औरतें आज खुलेआम घूम रही है, कोई डर नहीं रहा है, तो आएगी तो बीजेपी ही आएगी। बीजेपी जी आएगी बिल्कुल। अरे योगी जी भी अलीगढ़ आए थे? हाँ आए थे, कल बुलंदशहर भी घूम के गए वो। चलिए बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये महिलाएं हैं कुछ जो कि अपनी राय रखते हुए और उनसे हम बातचीत कर रहे थे। तो फिलहाल ये इलेक्शन की राम राम, आप देख रहे हैं अलीगढ़ से, और अगली बार फिर किसी और शहर से मुलाकात जाएंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कितना माहौल गर्म है और ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ तस्वीर निकल कर आती है। फिलहाल अलीगढ़ से इलेक्शन की राम राम में आज के लिए बस इतना ही, आप बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।